अस्सलामुअलैकुम, मैंने वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स वेलकम करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्रिप्टो अपडेट न्यूज़ मिलता है। साथ में आपके बताए कॉइन पर मैं एनालिसिस करता हूँ हर वीडियो में, और प्लस आपको यहाँ पर फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिल रहा है। यानी एक प्लेटफॉर्म में आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ न्यूज़ के बारे में जो कि अफ्रीकन यानी नाइजीरिया की ओर से आ रही है। सेकंड जो न्यूज़ रहेगा वो चाइनीज एक्सचेंज हुबी जो कि रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं यूएस की ओर। उसके बाद हम बिटकॉइन के एनालिसिस देखेंगे, और साथ में कल के वीडियो में जो सबसे ज्यादा कॉमेंट्स मिला था मुझे सियाकॉइन के रिलेटेड था, तो मैं सियाकॉइन के ऊपर एनालिसिस करके बताऊंगा। तो अगर आपको जानना है कि आप कौन से कॉइन का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हो, तो उसके लिए एक कमेंट कीजिए। मैंने बहुत से लोग देखा कि 10-10 कॉइन का नाम एक साथ पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा करूंगा तो मैं उस चीज को हाइट अवॉइड करूंगा। तो एक कॉइन पर डे, ठीक है? जो पर्टिकुलर कॉइन का नेम मल्टी ज्यादा होंगे, ज्यादा लोगों ने कमेंट किए होंगे तो ही मैं उठाऊंगा। बहुत से लोग देख रहा हूं मैं क्या SC, DGB और TRX, XRP एक साथ कर रहे हैं, एक दिन में एक ही कॉइन का कॉमेंट, वरना मैं उसको वैलिड नहीं मानूंगा। तो अगर आप चाहते हो मैं अपना टाइम निकाल रहा हूं, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कमेंट कीजिए जो भी आपको कॉइन के बारे में एनालिसिस जानना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो फिलहाल डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले न्यूज जो आ रहा है वो आ रहा है अफ्रीकन BTC एक्सचेंज पैक्सफुल रिपोर्ट 40 मिलियन इन मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि काफी बड़ी बात है। ठीक है, एक चीज याद रहेगा गाइस, अगर ऐसे कोई कंट्री है जो कि फाइनेंशियली काफी क्रैकडाउन है ऑलरेडी, अगर मैं बात करता हूँ तो नाइजीरिया करेंसी का, आप सभी को पता है दो साल पहले से नाइजीरिया ऑलमोस्ट 90% डाउन है USD और यूरो के हिसाब से अगर बात किया जाए। और फिलहाल नाइजीरिया कंट्री ही काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है क्रिप्टो करेंसी में, ऑलमोस्ट 40,000 समथिंग यहाँ पर है, मैं एक तरफ को दिखा देता हूँ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जिम्बाब्वे की, तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन जब नॉर्मली 6,000 पे ट्रेड हो रहा था, तो पर बिटकॉइन वहाँ पर गोलिक एक्सचेंज के ऊपर $14,000 में सेल हो रहा था, यानी कि वहाँ पर डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो चुका था, जो कि खुद में ही काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐसी कोई कंट्रीज मैंने और भी देखो कि और भी छोटे छोटे कंट्रीज जो कि फाइनेंशियली काफ़ी ब्रेक हो चुकी है बिकॉज US के कारण, पर काफ़ी वो ज़्यादा उनको पता नहीं कि एक चीज़ है, क्योंकि उनको पता है अगर हमका फाइनेंशियल कंडीशन खुद का सॉल्व करना है, कंट्री का सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कुछ पॉलिटिक्स रीजन होता है, पॉलिटिशियन रीजन होता है, उसके कारण नहीं कर पाते। लेकिन खुद की बात करें तो वो यही चाहते हैं कि भाई हर कोई यही चाहेंगे, और उनके सबसे पहले उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है कि बिटकॉइन पता नहीं कितना होगा नाइजर में, अभी चेक नहीं किया लेकिन काफ़ी ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि 40 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन वॉल्यूम यहाँ पर बाय और सोल्ड हो रहा है हर मंथ को पैक्सुल के वेबसाइट के ऊपर। पैक्सुल एक नाइजर का कोई वेबसाइट है अफ्रीका का, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिंग के लिए, जो कि बैंक के साथ भी उसका लिंक किया हुआ है और उसके साथ वो वर्कआउट कर रहा है। यानी एक बात तो है, चलो छोटे मोटे कंट्री से ही भले, पर सपोर्ट मिल रहा है कंट्री की ओर से भी, और नाइजीरिया की ओर से इतना वॉल्यूम होना काफ़ी बड़ी बात, क्योंकि नाइजीरिया आप सभी को पता है, साउथ अफ्रीका सभी को पता है, कुछ ऐसे पार्ट है उसके जो कि काफ़ी पुअर कंट्री है, काफ़ी कुछ नहीं वहाँ पर चल रहा है, बट उसकी ओर से इतना अच्छा न्यूज़ आना है सच में पॉजिटिव और एक अच्छी न्यूज़ है जो कि हमको जानना ज़रूरी था, इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया। सेकंड अगर बात करते हैं तो चाइनीज एक्सचेंज हो भी आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज चाइनीज ने बंद किया है बिकॉज वो रेगुलेशन को चलाना चाह रही है अपने हिसाब से। वहीं हुबी ने रजिस्टर्ड किया है US गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी आ सकती है जो कि उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया। जैसे कि आप सभी को पता है हुबी एक चाइनीज का लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, जो कि लास्ट ईयर चाइनीज गवर्नमेंट की ओर से बैन किया गया था क्रिप्टोकरेंसी, तो इसलिए वो भी नहीं वर्क करना करे जा रहा है। बट यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, लॉन्च करने वाले हैं US के साथ ऐसा रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर वो जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो फाइनेंस क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क एज अ मनी सर्विस बिजनेस के जैसे उसको रजिस्ट्रेशन कर रही है, कोई बिजनेस टाइप है तो उसके अंदर उन्होंने उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की रहे। हुबी जो इनिशियली मूव हुआ था जापान और कोरिया में, और इन बैक जनवरी में फिर वापस वो चाइना में आया था, और यानी जो जनवरी के आपको पता है कि वहाँ बैन था, तो चाइना में जो बैन किया गया था, तो अभी वो अनाउंस किया जा रहा है कि US में वो अपना फिर से एक रजिस्ट्रेशन कर रहे, जो कि फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क के जरिए होने जा रहे, और 21 मार्च को ये होगा, मतलब ये हो चुका है न्यूज लेट यहाँ पर अपडेट उन्होंने किया है। और यहाँ पर एक भी चीज़ उन्होंने एक और एक चीज़ दिया है कि यहाँ पर शायद इनका जो ऑफिस है फ्रांसिस्को में,
ओपन हो सकते हैं यूएस में, जो कि यूएस मार्केट के लिए फ्रांसिस्को में ओपन कर सकते हैं। ये उनका सीईओ का नाम है लेलिन, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं ये लोग, बट हमको क्या। लेलिन द फाउंडर ऑफ सीईओ हुबी अनाउंस दैट द प्लेटफॉर्म विल लॉन्च मे के अंदर लॉन्च होने वाला है। और जनरली ये पिछली बार जैसे हुबी का था उस वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा उसमें वो रखने वाले हैं, वो आने वाले टाइम पर ही हमको पता चलेगा। एक चीज उन्होंने यहाँ पर लास्ट में मेंशन नहीं किया है कि मोस्ट एक्सचेंजेस आर वेटिंग फॉर क्लियर रेगुलेशन फ्रॉम द एसईसी। जनरली प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन का सिस्टम नहीं मिला है क्रिप्टो करेंसी के लिए यूएस स्टेट में, क्योंकि एसईसी ने अभी तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं दिया। तो बहुत से एक्सचेंजेस, इवन इन्वेस्टर्स, मल्टी मिलियन इन्वेस्टर भी वेट कर रहे हैं कि एसईसी की ओर से कोई पॉजिटिव या प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन सिस्टम आए तो काफी कुछ हो सकता है। मतलब अगर ये प्रॉपर तरीके से डिसीजन दे दे तो हमको काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो फिलहाल जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है हम उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। और अभी हम बात करते हैं पहले बिटकॉइन की, ठीक है। बिटकॉइन के ऊपर जो डेथ क्रॉस होने वाला है, काफी लोग मैसेज आ चुका है, सर आप आईसीओ का क्या प्रमोशन कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में बताइए। एक चीज याद रखिएगा, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं सोचता कि हम उसको मैं अवेल करूँ, क्योंकि मैं आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ या कोई और चीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके आगे से मुझे कहीं और से मौका मिल रहा है कि मैं इनकम गेन करूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे ये ठीक है। बट आप लोग जिस तरह वीडियो को डिसलाइक कर रहे तो मुझे लगा कि आप शायद उस चीज को पसंद नहीं कर रहे। देखिए मैं यहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका वीडियोज में, मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा, इन्वेस्टमेंट करना आपकी मर्जी, नहीं करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुझे रिव्यू करने के लिए पेमेंट मिल रही है और मैं आपकी ओर से तो कुछ नहीं मांग रहा हूं ना, आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूं, आपको फ्री में अपडेट दे रहा हूं, तो मेरा तो इतना हक बनता है कि मैं मुझे यार कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनकम करने के लिए तो मैं शायद वहां से कर पाऊं। तो प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिए, वरना फिर शायद मुझे चैनल को इसी तरह हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि हमेशा आपको ही सब कुछ चाहिए तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जरूरत चीज़ है, तो अगर मुझे कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे करने दीजिए, वरना मैं ट्रेडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेट हूँ और फिर मुझे शायद कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस या कोई और चीज़ सिखाऊँ, बाकी आपकी मर्जी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन के ऊपर जो डेथ क्रॉस का काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स चल रहे हैं, लोग जो पूछ रहे हैं, मैं उसका मीनिंग के साथ आपको बता देता हूँ। एक होता है गोल्डन क्रॉस, एक होता है डेथ क्रॉस। तो फिलहाल जो मूव कर रहा है बिटकॉइन वो डेथ क्रॉस की तरफ मूवमेंट ले रहा है। यानी डेथ क्रॉस का मतलब ये ना बिटकॉइन टोटली डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। डेथ क्रॉस का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, बियरिश रहेगा लॉन्ग पीरियड के लिए, तो इसको डेथ क्रॉस कहा जाता है। जनरली डेथ क्रॉस कब होता है, जब भी बिगर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करता है शॉर्टर मूविंग एवरेज को, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने अभी मूविंग एवरेज का लगा के रखा हूँ। ये है सिंपल 200 डेज मूविंग एवरेज और ये है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर काफी क्लोज हो चुके हैं सिंपल 50 डे मूविंग एवरेज और सिंपल 200 डेज मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 200 डेज है और ये 50 डेज है, तो जब भी 200 डेज मूव करेगा 50 के अबव तो ये हो जाएगा डेथ क्रॉस। ये फुल कंफर्मेशन हो जाएगा कि बिटकॉइन अभी लॉन्ग पीरियड के लिए डाउन ट्रेंड बियरिश मार्केट में रहेगा। ये जनरली मार्केट का रूल है, तो वही बता रहा हूँ, मैं अपनी ओर से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने बुक्स में पढ़ा हो, जो मैंने सीखा हो, वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो ये मतलब होता है डेथ क्रॉस का। तो मतलब जब भी 200 मूविंग डे एवरेज क्रॉस करेगा 50 मूविंग डे एवरेज को अपवर्ड के साइड तो वो हो जाएगा डेथ क्रॉस, ठीक है। तो फिलहाल यही अभी डेथ क्रॉस कंफर्म नहीं हुआ है, दोनों काफ़ी करीब आ चुके हैं और होने को तो हो भी सकता है डेथ क्रॉस, पर मुझे नहीं पता है क्या एग्जैक्टली होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल अभी नहीं हुआ है, बट काफ़ी करीब है, कभी भी हो सकता है। काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि डेथ क्रॉस अगर जाएंगे तो मे बी अच्छे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बिटकॉइन जो रहेगा डाउन ट्रेंड में जाएगा। पर याद रखिए बिटकॉइन को मेरे हिसाब से प्रिडिक्ट करना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरह मूवमेंट ले रहा है, सारे टेक्निकल रूल्स को वो पछाड़ रहा है, मतलब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो मैं तो इतना ही समझता हूँ कि बिटकॉइन के ऊपर डेथ क्रॉस या ये या वो मुझे लगता है कुछ वर्कआउट होने वाला है। खैर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ टेक्निकल एक्सपेक्ट की ओर से, कुछ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, अगर वो पैटर्न की भी मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन का मूवमेंट क्या हो सकता है ये हमको समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पिछले ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें 2017 की अगर बात करें तो यहाँ से लगभग एक ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट करते हुए सीधा अपवर्ड की तरफ पैराबॉलिक मूव यहाँ पर उसने लिया है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर 3 बार बना है, कंफर्मेशन पूरा हो चुका है पैटर्न का। अब अगर हम इसको क्लोजली देखते हैं तो बिटकॉइन का जो स्टेबल सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है $7,200 तक है।
एक चीज याद रखिए, अगर ये $7,200 या $100 क्रॉस होकर नीचे मार्केट क्लोज होता है पर्टिकुलर वन डे कैंडलस्टिक के अंदर, तो ये काफी बुरी बात होगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है, और अगर ये ब्रेक होगा तो मे बी बिटकॉइन और नीचे आएगा। वैसे बिटकॉइन को तो नीचे आना ही है, $3,000-$4,000 तक इजिली बिटकॉइन आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो देखा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर, और अभी तक नेकलाइन को ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो वन डे के अंदर, तो यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि ना ही ब्रेकआउट हुआ है, और नेकलाइन में भी तक फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अभी हम देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या मार्केट मूवमेंट कहां तक ले सकता है या नहीं। दोबारा रिपीट कर दूं, मैं यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं कि आप सेल करो बाय करो, जो भी करना चाहते हो अपने ओन रिस्क और रिसर्च पर करो, क्योंकि पैसा आपका, प्रॉफिट ऐसा सब कुछ आपका ही है। तो खैर, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो फिलहाल इस नेकलाइन के नीचे मार्केट को ब्रेकआउट होना है, तो यानी दो तरीके से कंफर्मेशन ऑफ बियरिश सिग्नल का, एक तो डेथ क्रॉस, सेकंड ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकआउट होना, और थर्ड होता है फ्रेंड्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन के नीचे जाना, इसका जो हेड नेकलाइन इसका जो हेड है उसके नीचे जाना, यानी $7,100 का जो सपोर्ट लेवल हमारा बना हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसको ब्रेकआउट होना मतलब मार्केट नीचे जाएगा, और जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बताता है, जो हेड बनेगा ऑलमोस्ट उसके ही हाइट के बराबर मार्केट को रिबाउंड कर सकता है। न्यू साइकिल स्टार्ट होने का हर कोई वेट कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यू साइकिल जो स्टार्ट होना है वो $3,200 से स्टार्ट हो सकता है, 100% कोई गारंटी नहीं है, एक अंदाजा है कि क्योंकि न्यू साइकिल स्टार्टअप जब होगा शायद तभी, जिस तरह नियो ने किया, जिस तरह अदर कॉइन्स कर रहे हैं, साइकिल को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, लाइफ टाइम साइकिल जो उनका ईयरली साइकिल होता है या जो भी उनका साइकिल होता है, तो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि एक ऑल टाइम हाई बन चुका है, फिर से मार्केट न्यू साइकिल के लिए डाउन आ रहा है, फिर से न्यू साइकिल स्टार्ट करेगा और पिछले ऑल टाइम हाइट को कम से कम टेस्ट लेगा। अब एक्जैक्टली पता नहीं बिटकॉइन फिलहाल क्या मूवमेंट लेगा, लेकिन फिलहाल जो उम्मीद है बिटकॉइन का, यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट $7,100-$7,200 तक दिखाई दे रहा है, और डेथ क्रॉस अगर हो जाता है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि बिटकॉइन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डाउन ट्रेंड में रह सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ खास रूल यहाँ पर फॉलो होगा, क्योंकि अब काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशन का पैसा है, बड़े बड़े वेल्स जो कि इसको इजीली पंप करके काफ़ी अच्छा ऊपर लेके जा सकते हैं। सेकेंड, आपका जो कॉमेंट था, अभी हम उसकी तरफ बात करते हैं, आप लोगों ने सभी ने कॉमेंट किया था कि आपको सीएकॉइन के बारे में जानना है, और सीएकॉइन काफ़ी करीब है न्यू साइकिल स्टार्टअप करने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि जिस तरह उसका चार्ट मूवमेंट दिख रहा है हमको उसमें तो यही अंदाजा हो रहा है, पर मे बी पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो और भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का मूवमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। इतना मार्च खत्म होगा तो एक्जैक्टली पता हो चल जाएगा हमको, लेकिन जो अंदाजा था अल्टकॉइन का फिलहाल, क्योंकि कल के दिन में जो अल्टकॉइन ने कल या परसों दिन में काफ़ी ज़्यादा अल्टकॉइन ने अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ हम अगर सीएकॉइन की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं सपोर्ट लाइन बना दूंगा, पिछला सपोर्ट लाइन को टेस्ट करते हुए यहाँ पर मार्केट उठा था, मीनवाइल एक सपोर्ट लाइन बना दूंगा, अगर वो मार्केट वहां पर होल्ड नहीं करता है तो कहां तक उसको डाउन आने के चांसेस हैं। आप देख रहे हो आपके सामने मैंने एक मेन मेजर सपोर्ट लाइन बनाया हूं जो कि काफी मेजर है, इसके नीचे मार्केट नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है या कम से कम चांसेस हैं। सेकेंड, अगर मैं उसकी बात करता हूँ कि मार्केट जो सपोर्ट लेकर मूवमेंट ले रहा है तो ऑलमोस्ट 118 सतोशी पर सपोर्ट एग्जैक्टली लिया, क्योंकि पिछले टाइम जो बुल मार्केट हुआ था वो यहीं से हुआ था। अगर आप देख रहे हो तो मार्केट यहाँ से गिर कर इसको सपोर्ट लेकर यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर गया था, तो इसमें भी मेन जो सपोर्ट लाइन हमको यहाँ पर बना है वो यहाँ पर है। अगर 118 सतोशी का सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट होता है तो फाइनल सपोर्ट लाइन हमारे लिए 48 सतोशी का होता है सीएकॉइन के लिए। पर फंडामेंटली अगर बात करो तो सीएकॉइन का यहाँ पर 31 मार्च को कुछ न्यूज है, कुछ अपग्रेडेशन यहाँ पर वो करने वाले हैं जो कि फाइल कन्वर्ट के रिलेटेड है, फाइल रिकवरी सिस्टम के रिलेटेड है और सिंपल फाइल शेयरिंग के रिलेटेड, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ नहीं है, मुझे लगता है कि इससे कुछ खास इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव है तो मे बी इससे मार्केट मूवमेंट ले सकता है। न्यू साइकिल की बात करें तो यहाँ पर देखिए पिछला बुल मार्केट से मार्केट यहाँ से अप गया है और अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ, कम से कम मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, यानी 275 सतोशी के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारे चांसेस 100% बढ़ जाएंगे क्या मार्केट यहां से बुल में रहेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो फिलहाल तो मार्केट बिल्कुल भी फिबोनाची के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहां पर फिबोनाची का रोल फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर उसने जो सपोर्ट लिया फिबोनाची के हट कर लिया, तो यहां पर कोई रोल फॉलो नहीं हुआ, लेकिन अपट्रेंड के तरफ हम उसको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो हम जान सकते हैं कि मार्केट कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करें तो पहला जो हमको सपोर्ट लेवल है 233 सतोशी है, सेकंड जो दिख रहा है हमको 324 और लास्ट वाला जो है यहाँ पर जो मिडल वाला जो कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो जिसको कहा जाता है वो है 391 सतोशी के पास। तो अगर मार्केट इसको टेस्ट अगर इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर टेस्ट लेकर इसको वापस यहाँ सपोर्ट लेता है
तो इसका मतलब यहाँ पर फिबोनाची रूल काफी ज्यादा फॉलो हो सकता है। लेकिन जहां तक न्यू साइकिल की बात करो तो न्यू साइकिल के चांसेस 50-50 यहाँ पर है, क्योंकि मार्केट में भी वापस रीडाउन हो सकता है और इस मीन माइल को सपोर्ट करेगा, या नहीं तो फिर ये शायद इसका न्यू साइकिल, क्योंकि न्यू साइकिल को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कर सकता है अगर कोई अच्छा खासा पंप या फिर अल्टकॉइन एकदम से फ्लो करने लगे तो मार्केट यहाँ से मूवमेंट ले सकता है। लेकिन जहाँ तक लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सीएकॉइन बाय करने नहीं करना, तो यहाँ पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी पूरा मार्केट बियरिश में है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ कॉइन मार्केट कैप की, तो ऑलमोस्ट $325 बिलियन से $299 बिलियन का मार्केट हो चुका है। वॉल्यूम 24 आवर्स की बात करें तो $16 बिलियन का वॉल्यूम है, मतलब कुछ नहीं है। बिटकॉइन डोमिनेंस कर रहा है 45%, 43% कल तक था, 45% आज डोमिनेंस कर रहा है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ऑलमोस्ट $350-$360 तक टेस्ट ले सकता है। मेजर वाली सपोर्ट है 0.045 BTC का सपोर्ट लेवल, यहाँ पर काफी अच्छा दिखाई देता है इथेरियम के लिए। पर जब तक मार्च एंड नहीं होगा तब तक एक्जैक्टली मार्केट का मूवमेंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कल तक जो वॉल्यूम था 332 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप था, जो कि काफ़ी कम हो चुका है। अगर हम डेली का चार्ट यहाँ पर देखें तो हमको एक्जैक्टली समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ गिरा था। अगर आप देख रहे हो तो $312 बिलियन का मार्केट था और मार्केट टच किया है ऑलमोस्ट $394 बिलियन का, वापस मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है वन डे के चार्ट के अंदर। सेवन डे की ग्लोबल मार्केट चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो भी मार्केट बियरिश ही शो कर रहा है, कोई बुलिशनेस यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मार्केट बियरिश शो कर रहा है। वन मंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमको बियरिश ही दिखने वाला है, क्योंकि हमको एक स्टेबल मार्केट दिखना चाहिए, थोड़ा सा हमको चेंजेस दिखना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट में रियल पैसा आ रहा है, जिसके वजह से हमको समझ में आएगा कि मार्केट अभी अपवर्ड की तरफ मूवमेंट ले सकता है। अगर हम बात करते हैं टोटल करेंसी एज पर परसेंटेज के हिसाब से, अदर करेंसी के अंदर इतने कॉइन्स आ रहे हैं, बट अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 34% डोमिनेंस लेते हुए अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन बिटकॉइन को कम से कम इतना डोमिनेंस करना है, 85% आप देख सकते हो फेब 2017 को, तो बिटकॉइन को उतना डोमिनेंस करना है तभी बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा हमको चेंजेस दिख सकता है। और वो डोमिनेंस कब आएगा, सबसे पहले मार्केट कैप इंक्रीज होना चाहिए, सेकेंड अल्टकॉइन में कुछ खास इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तभी जाके हमारे बिटकॉइन में सीधा पैसा तभी दिखाई देगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है लाइटनिंग नेटवर्क का वर्क ऑलमोस्ट 2018 की एंड तक हो सकता है, ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है कि हम 2018 के एंड तक लाइटनिंग नेटवर्क उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो कि बिटकॉइन के लिए वो ला रहे हैं। तो अगर वो हो जाता है सक्सेसफुली तो बिटकॉइन इजीली मूवमेंट ले सकता है, पर डेथ क्रॉस अगर क्रॉस कर देता है तो लॉन्ग टाइम के लिए बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में रह सकता है। मेजर सपोर्ट जो डाउन ट्रेंड में बन रहा है $3,000-$4,000 तक बन रहा है। यहाँ पर मैं किसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो भी करना अपने ओन रिसर्च ओन टेस्टिंग पर कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की सीरीज में कंप्लीट करूं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें आपका कॉइन का नेम, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको डेली क्रिप्टो अपडेट्स, कॉइन के एनालिसिस और मार्केट के बारे में इंस्टेंट न्यूज पता चलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।